सो हे गाइस, व्हाट इज अप एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त यूनिक बॉय चेज। सो गाइस, आज की वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के सर्वाइवल सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो रात है तो मैं सो लेता हूँ। तो पिछली वाली वीडियो में हमने मतलब फार्म वगैरह बनाए थे, काफ़ी कुछ किया था। तो अपना धीरे धीरे वर्ल्ड ना काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। तो मैंने मतलब काफ़ी सारे चेंजेस किए। मैं पिछली बार नेदर में गया था बट मर के वापस आया। तो मैंने अपने लिए मतलब आर्मर वगैरह बना लिए, मतलब डायमंड्स के नहीं है, अपने आयन के आर्मर्स बनाए मैंने। बट उसको मैंने इंचेंटिंग दे दी है। देखो अभी मतलब सबको अच्छी खासी इंचेंटिंग दे दी है। प्रोटेक्शन 2 और थ्रॉन्स 2 लग गया है। कुछ कुछ चीज़ों को तो प्रोटेक्शन 4 भी लग गया है। काफ़ी ओपी मतलब हो चुका है। और मैंने मतलब मेरे पास डायमंड कम थे तो मैंने सिर्फ पिकेक्स और एक अपने लिए सॉर्ड बना ली है दोस्तों। तो मेरे बूट्स को काफ़ी कुछ लगा है, फेदर फॉलिंग, थ्रॉन्स, फायर प्रोटेक्शन, डेप स्प्रेडर और अनब्रेकिंग भी लगी है। मैंने ये वाला आर्मर क्यों बनाया, मतलब यार डायमंड का बना था बट यार डायमंड बाद में हम ढूंढेंगे। फ़िलहाल तो अपने को सर्वाइव करने के लिए इतना काफ़ी है। और अपने एक्सपी फार्म भी मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सपी देता है अपने को। तो मैंने आर्मर अपना पहन लिया और मैं पिंक दिख रहा हूँ। मेरा बो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना ओपी वाला बो बना है ना दोस्तों अपना, मतलब काफ़ी अच्छा है। यही वाला बो मैं एंड तक यूज़ करूँगा। तो अभी मैंने पीछे मतलब आयरन फार्म पूरा तोड़ दिया और दोस्तों वापस नया वाला बनाया मैंने। फिर से एक यूट्यूबर की मतलब हेल्प ली और उससे बनाया। मैंने अकेले नहीं बनाया, मैंने और मेरे दोस्त ने बनाया। काफ़ी टाइम लगा इसमें यार, मतलब इसलिए इसकी वीडियो में लेट डालने वाला था। इसको बनाने में पूरा एक दिन चला गया दोस्तों। तो अभी मतलब आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया इसको। तो अभी देखो मतलब कुछ इस तरह से चार साइड से और बीच में जॉम्बी लगाया है और काफ़ी सारे विलेजर अपने विलेज में थे, मैंने उनको ऊपर लेके गया और रखा है। काफ़ी मेहनत से बनाया है दोस्तों। और मतलब हॉपर्स मैंने इतने सारे नहीं लगाए थे, बाद में आयंस मिलते गए ना मेरे को तो मैंने इतने सारे मतलब हॉपर्स लगा दिए क्योंकि आयन काफ़ी सारे हो गए थे। मतलब हॉपर्स मैंने कैसे लगाए थे, एक के नीचे चार, छः छः कुछ ऐसे लगाए थे। और अभी मतलब आ चुके तो मैं सोचा कि डायरेक्ट कनेक्ट कर लूँ। और आयन की कमी नहीं है अपने पास, आयन काफ़ी सारा आता है। और मैंने मतलब यहाँ पर डायरेक्ट बोन मिल का भी बना दिया, मतलब जितने भी फ्लावर्स वगैरह आते हैं अपने पास उससे अपन मतलब बोन मिल बना सकते हैं। बोन मिल का फार्म है अपने पास एक तरह से। तो काफ़ी ओपी लग रहा है ना दोस्तों। काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में, इसको ही बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। तो मतलब ये हॉपर्स मतलब मैंने अलग टाइप से रखे थे, चार साइड पे चार चेस्ट रखे थे बट यार मतलब वो अच्छा लुक नहीं दे रहा था तो मैंने इसको चेंज किया। मतलब धीरे धीरे आयन आते गए। तो इस फार्म में मतलब एक दिक्कत क्या है मालूम है, मतलब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं है वैसे, अगर बिल्ली वगैरह स्पॉन हो गए ना, कैट वगैरह स्पॉन हो गए ना तो अपने को सिर्फ क्या करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है। कैट को मारा ना, कैट क्या करती है मतलब बाहर वगैरह स्पॉन हो गई गलती से तो उसको मारना पड़ता है। तो उसको मार दिया तो बाद में गोलम स्पॉन हो जाता है। ईजी, मतलब ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। अभी तक सिर्फ 2-3 कैट मतलब स्पॉन हुई थी बाहर तो हो गया। और अपना क्या बोलते हैं, गन पाउडर फार्म तो ओपी चीज़ है। मतलब यार गन पाउडर फार्म मतलब एकदम धड़ाधड़ अपने को गन पाउडर दे रहा है। तो देखो मैं मतलब आया और यहाँ पर क्रीपर स्पॉन भी था, मैंने बीच में निकाले थे गन पाउडर। काफ़ी हेल्पफुल है अपने पास। और अपने को मतलब इस वाले वर्ल्ड में डर्ट की कमी तो है नहीं। डर्ट बोल रहा हूँ मैं मतलब बोलना चाह रहा हूँ, सैंड की तो कमी है नहीं, सैंड काफ़ी सारी है। तो मेरे सामने देखो 3-4 क्रीपर स्पॉन भी हुए और एक के बाद एक आ रही है। तो मैं इसके ऊपर भी और लेयर बना सकता हूँ इसको बड़ा करने के लिए, बट यार इनफ है, अपने को जब चाहिए होंगे ना तब मैं बना लूँगा क्योंकि अभी बना के कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं अभी मतलब पिछले वाला जो फार्म था ना तो उसको भी निकाल दिया मैं। तो मेरी बो देखो कितनी पावरफुल है, इसको अनब्रेकिंग पंच सब लगा है तो काफ़ी पावरफुल है। मेरे को लेवल 30 पर ये मतलब मैंने की इसको एन्चेंटमेंट, काफ़ी ओपी थी। और यहाँ पर जो पुराना वाला फार्म था तो मैंने उसको तोड़ दिया क्योंकि वर्क नहीं कर रहा था, क्या पता नहीं मेरे को, क्योंकि यार मतलब मैंने अपने दूसरे वाले वर्ल्ड में किया था तो हो रहा था वर्क, बट क्या मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है।
तो इसे देखते हैं। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले, तो आज की वीडियो में हम मतलब विलेजर्स हॉल वगैरह बनाएंगे वगैरह कुछ ऐसा ही करेंगे। और एक मिनट, यहाँ पर मुझे शायद गोल्ड का ब्लॉक दिखा। एक मिनट, यहाँ पर गोल्ड का ब्लॉक है सच्ची में, मैंने देखा ही नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे गोल्ड का ब्लॉक मिला है, शायद ये वाला मतलब पोर्टल रहेगा। और ये वाला पोर्टल अंडरग्राउंड है भाई, मतलब ऐसा भी रहता है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा वाला पोर्टल देखा है, मैंने सच्ची में देखा नहीं था भाई। मतलब मेरे को पूरा डिग करना पड़ेगा नीचे, काफ़ी बड़ा पोर्टल लग रहा है मेरे को दोस्तों, सीक्रेट पोर्टल है। मैं अभी शवल लेके आया और अभी मैं माइन करता हूँ फटाफट। यार सच्ची में ये पोर्टल है, रून पोर्टल है, इतना बड़ा। मेरे को देखना पड़ेगा अंदर क्या है इसमें। ऑक्सीडियंस भी मिल जाएगी अपने को, ऑक्सीडियंस बोल रहे मैं तो भाई। इतना बड़ा पोर्टल वो भी अंडरग्राउंड, गोल्डन एप्पल मिलना चाहिए यार। गोल्डन एप्पल मिल जाए तो बात बन जाए कुछ। बट यार इतना बड़ा वाला अंदर कैसे गया? तो भाई मेरे पिकैक्स देख रहे हो कितनी मस्त चल रही, मतलब छूते ही सब टूट रहा है, इतनी फास्ट है मेरी पिकैक्स। क्योंकि एफिशिएंसी 3 और फॉर्चून 3 वगैरह लगाया, काफ़ी कुछ लगाया इसको, काम जाम किया मैंने। तो मैं काफ़ी नीचे तक आया और इस पोर्टल का मेरे को एंड दिख ही नहीं रहा है भाई, मतलब किधर है इसके नीचे शायद। अरे बाप रे, इधर भी ऑब्सीडियंस है। और फाइनली मेरे को लग रहा है अभी मैं एंड पे पहुंच गया हूँ। और काफ़ी बड़ा है दोस्तों, मतलब ये सच्ची में काफ़ी बड़ा वाला पोर्टल है। और इसके ऑब्सीडियंस इधर उधर मतलब काफ़ी जगह पे है। मैं इसकी चेस्ट ढूंढ रहा हूँ और चेस्ट नहीं मिल रही मुझे यार। मतलब इतना बड़ा रहता है पोर्टल यार, कुछ भी इसमें मतलब देखो किधर से स्टार्ट हुआ और किधर मतलब अंदर तक घुसा है वो। और टेढ़ा मेढ़ा ऑब्सीडियंस वगैरह लगा है सब कुछ यार। चेस्ट, वो चेस्ट मिल गए मेरे को दोस्तों। काश इसमें गोल्डन एप्पल हो यार, मतलब एंचेंटेड एप्पल हो। ओ भाई मतलब पोपट हो गया मेरा यार, मतलब मेरे को लगा कि अंदर एंचेंटेड गोल्डन एप्पल रहेगा, यहाँ पर सब कचरा मिला है मेरे को सच्ची में। लिटरली मैं इसको कचरा बोलेगा भाई। गोल्ड ब्लॉक मिले, गोल्ड ब्लॉक के लिए मैं इतना आया नीचे भाई, खोद के पूरा खड्डा कर दिया मैंने नीचे। इतना बड़ा डिग किया है मैंने यार, खाली पकड़ मैंने डिग किया है इतना बड़ा, कोई गरज नहीं थी। देखो ना दोस्तों, मतलब कुछ भी यार, इतना बड़ा रूइन पोर्टल नीचे है, मैं उसके लिए डिग किया है इतना, और मेरे को क्या मिला? 3 गोल्ड के ब्लॉक भाई यार। टाइम पास कर दिया रे इसने, काफ़ी बड़ा टाइम पास कर दिया। तो भाई बोर हो गया मैं तो, छोड़ो यार। यहाँ पर जॉम्बिस वगैरह है तो मेरी बो देख रहे हो आप, काफ़ी पावरफुल है, मतलब वन हिट में मर रहे हैं जॉम्बिस वगैरह। तो मैं क्रीपर को भी मारता हूँ। तो मेरा फार्म काफ़ी ओपी लग रहा है यार, मतलब इतना बड़ा फार्म लग रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं मतलब स्टोन का भी बना दूँ क्या? मतलब स्टोन फार्म की मतलब इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, पर बना लेंगे। और अपने को यार ट्रेडिंग हॉल भी बनाना है यार, मैं भूल गया ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। कोई बात नहीं, अगली वीडियो में बना देंगे ट्रेडिंग हॉल भी। अपना एक्सपी फार्म भी ओपी है भाई, मैंने उसको काफ़ी दूर बना दिया मेरे को ऐसा लग रहा है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि यार उधर मतलब क्रीपर वगैरह भी स्पॉन होते हैं, कासल के पास फूटने नहीं चाहिए। और गाइस मैं क्या करने वाला हूँ अभी, मतलब कासल के आजू बाजू में अपने को मतलब ऐसा बॉर्डर टाइप बनाना है, मतलब पूरा नहीं कवर करूँगा बट बॉर्डर वॉल टाइप बनाना है अपने को। तो यहाँ पर बीच में पीक क्या कर रहा है भाई, इसको सेंटर में मारेंगे हम। तो भाई ओपी वाला निशाना यहाँ पर लगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।